वेलकम बैक टू एजुकेशन एरिना। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन कंसिडरेशन। उस पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, कुछ कंटेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे फर्दर ऑन वीडियो में बढ़ने वाले हैं। साथ में ही एक क्वेश्चन लिया है जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन कंसिडरेशन, ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये न्यूली अभी यूनिवर्सिटी में ऐड किया गया है। जो तो देखिए कंटेंट्स में जो मैंने टॉपिक्स उठाए हैं वो है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रिलायबिलिटी, उसके बाद है आपकी क्वालिटी, फिर है फेल्योर और डिफेक्ट, उसके बाद है मेंटेनेबिलिटी। ओके, तो ये सारे के सारे जितने भी कंटेंट्स आपके सामने हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें और भी कंटेंट्स है जैसे कि आपका MTTR हो गया, MTBF हो गया, MTTF हो गया, आपके टेक्निक्स हो गए जैसे कि डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन या फिर एनालॉग सिस्टम डिज़ाइन के। ओके, तो ये फर्दर ऑन वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो ये जो मेन जो पास टॉपिक्स लिए हैं इसलिए लिए हैं क्योंकि काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन सारे के सारे टॉपिक्स जो कि हमारे कंटेंट्स में आज प्रेजेंट हैं। तो उसके बाद जो पहला है वो है हमारा रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, तो रिलायबिलिटी मतलब होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन आइटम टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शन अंडर स्टेटेड कंडीशंस फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। बेस्ड ऑन डेफिनेशंस क्या है रिलायबिलिटी के? प्रोबेबिलिटी, स्पेसिफाइड ऑपरेशन और फंक्शन, ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो मेनली रिलायबिलिटी हम लोग डिफाइन किससे कर सकते हैं कि एबिलिटी जो उसका स्पेसिफिकेशन जो डिफाइंड होता है किसी भी आईसी का, किसी भी डिवाइस का, किसी भी कंपोनेंट का, जो उसका स्पेसिफिकेशन डिफाइंड किया गया है और अकॉर्डिंग टू द डेटा शीट। ओके, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है या फिर नहीं करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी। ओके, उसका परफॉर्मेंस, उसका बेटर परफॉर्मेंस यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस होता है आपका उसका रिलायबिलिटी। ऑपरेटिंग कंडीशन, ओके, तो उसके बाद देखिए मैंने साथ में ही आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो पिक एक डाली है जो कि आपको दिखा रहा है रिलायबिलिटी का लेवल। देखिए यहाँ पे तो एक्चुअली उधर दिखाया गया है 100% रिलायबिलिटी का लेवल, बट एक्चुअली आपका 100% रिलायबिलिटी कोई भी सिस्टम का होता नहीं है क्योंकि हर एक सिस्टम में कोई ना तो कोई तो डिफेक्ट या फिर कोई ना तो कोई तो फेल्यूअर होता ही है। कोई ना तो हर एक सिस्टम कभी ना तो कभी तो फेल हो ही जाता है, इसलिए रिलायबिलिटी आपका हमेशा 1 या फिर 100 के बीच में हो सकता है, बट कभी 100 नहीं हो सकता और कभी 1 से 0 नहीं हो सकता रिलायबिलिटी। ओके, तो ये होता है आपका रिलायबिलिटी। आई होप सो आप लोगों को ये रिलायबिलिटी टॉपिक समझ में आया है। ओके, चलिए आगे का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है आपका एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रिलायबिलिटी। तो इसमें होता है क्या है, देखिए रिलायबिलिटी ये एक फार्मूला है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाता है कि आपकी सिस्टम कब तक ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगी और कितने देर के बाद आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। आर ऑफ टी से दिया जाता है आपका एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रिलायबिलिटी। ओके, गिव्स डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग टाइम। हर एक डिफरेंट ऑपरेटिंग टाइम पे एक डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगी। मोर यूजफुल टू द यूज़र इज़ द एवरेज टाइम ऑफ द सिस्टम विल रन बिटवीन फेल्यूअर्स। दिस टाइम इज़ नोन एज मीन टाइम बिटवीन फेल्यूअर MTBF। MTBF होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूअर, यानी आपका सिस्टम का एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है, कि आपका सिस्टम कब तक फेल्यूअर रेट पे था, मतलब फेल कब तक था आपका सिस्टम, तो उसका एक टोटल एवरेज निकालेंगे तो वो आपका निकल जाता है MTBF, ठीक है। तो MTBF यूजुअली एक्सप्रेस्ड हार्स, इसको हार्स में या फिर घंटों में गिना जाता है। इसके ऊपर ये जो टॉपिक है MTBF हो गया, तो इसके ऊपर हम लोग एक्सप्रेशंस या फिर उसके ऊपर डीपली हम लोग देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, MTBF ऑफ द सिस्टम इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द फेल्यूअर रेट। लैम्बडा आपका क्या होता है, फेल्यूअर रेट, यानी आपका जो MTBF कैसे निकालेंगे आपको डिफरेंट फेल्यूअर हार्स दिए रहेंगे, फेल्यूअर पीरियड्स दिए रहेंगे, तो आप क्या करोगे जो फेल्यूअर पीरियड्स रहेंगे ना उन सबको ऐड करके उसका एवरेज निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, MTBF मिल जाएगा। और जब आप लोग
MTBF का रेसिप्रोकल लोगे ना तो उस टाइम पे आपको फेल्यूर रेट मिल जाएगा, ओके। यानी दोनों के दोनों MTBF यानी इक्वल टू M, M से डिनोट किया जाता है। तो ये और जो आपका लैम्बडा है दोनों का दोनों कैसा रहता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल में रहते हैं, ठीक। और जो आपका रिलायबिलिटी होता है उसे हम लोग R इक्वल टू e^-λT से डिनोट किया जाता है, ओके। वेयर T क्या है आपका ऑपरेटिंग टाइम, लैम्बडा क्या है फेल्यूअर रेट, ओके। और MTBF इक्वल टू 1/λ इक्वल टू M होता है, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रिलायबिलिटी। आप इसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम का, किसी भी डिवाइस का, किसी भी IC का आप लोग उसका रिलायबिलिटी निकाल सकते हो कि कब तक हमारा वो जो डिवाइस है वो बेटर ऑपरेटिंग कंडीशन में रहने वाला है, ओके। तो चलिए जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस क्यों करने हैं, ऑब्जर्वेशन इसलिए करना है कि हमारा सिस्टम कब तक ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा और कितने दिनों के बाद डिसमिस्ड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो वह क्या दिखा रहा है कि जब तक, मतलब जितना लेस आप लोग टाइम, जितना कम आप लोग सिस्टम को यूज़ करोगे या फिर वही सिस्टम आपकी जब तक जितना कम यूज़ होगी उतना आपकी रिलायबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लें मोबाइल फ़ोन, कुछ कुछ मोबाइल लवर्स होते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल्स में गेम्स खेलते हैं, लोगों से चैट करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कई दूसरे मैसेंजर्स होते हैं वो चलाते हैं, साथ में कॉलिंग्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ़ोन ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है और कुछ कुछ लोग सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जो बंदा सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहा है उसका क्या होगा, रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, और जिसका जो सारे चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा है उधर क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी उसकी काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 0.1 और 0.2 दिया है, वेन ऑपरेटिंग टाइम टी इक्वल टू MTBF इक्वल टू एम, ओके, देन आर इक्वल टू e^T डिवाइड बाई एम। जब आपका एम और टी दोनों के दोनों इक्वल यानी क्या हो जाएगा, e^-1 हो जाएगा, तो आपको कितना देता है 0.37। तो जब आप लोग परसेंटेज में देखोगे ना, आर परसेंटेज जब निकालोगे तो आर परसेंटेज कितना हो जाएगा, 37%। यानी यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, आपका जो 60 में 37% क्या है, बेटर परफॉर्मेंस करेगा। बाकी जो 63% है कुछ गारंटी नहीं है कि आपका सिस्टम किस हिसाब से काम करेगा, ओके। तो ये होता है, देखिए यहाँ पे दिया है ऑपरेशन रिड्यूस 37% आर इक्वल टू 37% ओनली, सिर्फ 37% के लिए आपका सिस्टम बेटर परफॉर्मेंस देगा, ओके। इन ऑर्डर टू हैव अ हाई रिलायबिलिटी द ऑपरेटिंग टाइम मस्ट बी स्मॉल एज पॉसिबल। जितना ऑपरेटिंग टाइम कम रख सकते हो उतना आपका क्या होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। तो ये था कुछ ऑब्जर्वेशन, ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। काफ़ी ईजी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको करना है कि आप कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करने के समय आप उसको कैसे बेटरली परफॉर्म कर सको। उसके बाद का जो है वो आता है आपका क्वालिटी। तो क्वालिटी कैसे डिफाइन किया जाता है, एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्म इंटेंडेड फंक्शन। जो उसका फंक्शन होता है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करे, कोई दूसरा काम ना करे, ओके। उसके बाद है क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़, क्वालिटी इज़ कंफर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी इज़ नॉट कंसर्न विद द टाइम एंड इन्वायरमेंट, इट कंसर्न विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख बोल सकते हैं कि सपोज़ मैंने एक चार्जर बिल्ड किया, ठीक है, एक नया चार्जर मैंने मार्केट में लाया, तो मैंने क्या किया है, मेरे प्रॉफिट के तौर पर देखता हूँ तो मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स काफ़ी सस्ते यूज़ किए और मार्केट में तो डाल दिया। अब मार्केट में गया, वहाँ पे कस्टमर्स आए मेरे पास, तो कस्टमर ने उस चार्जर को ख़रीदा, बट कुछ दिनों के बाद, एक महीने डेढ़ महीने यूज़ किया और ख़राब हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका क्वालिटी क्या हो रहा है, सिस्टम की क्वालिटी कैसी है, ख़राब है, तो आपके पास कस्टमर्स तो आएंगे नहीं। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी, आप जितना बढ़िया क्वालिटी दे सकते हो उतनी बढ़िया क्वालिटी आपको देना ज़रूरी है, तभी और आपका जो क्वालिटी है फिटनेस दिखाएगा, ठीक है, कि आपका सिस्टम कब तक चल सकता है, कितना बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है और कितने टाइम कंसर्न इन्वायर। वो ये नहीं ज़रूरी है कि आपके टाइम और इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट होता है, हर एक इक्विपमेंट पे, हर एक डिवाइस पे उसका इफ़ेक्ट है, बट मेन चीज़ जो होता है कि कस्टमर आपके
सेटिस्फाइड रहे आपके क्वालिटी से। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कोई भी सिस्टम अगर बनाते हो तो बेटर परफॉर्मेंस के तौर पे बनाए और उसकी बेटर डिज़ाइनिंग करे, ओके, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक इस कॉर्नर में ये देखी, ये जो मैंने एक पिक डाली है, तो इसमें पूरा का पूरा आपको स्पेसिफाइड करके दिखाया है कि हर एक सिस्टम की टेस्टिंग होनी चाहिए। जब टेस्टिंग होगी यानी बेटर परफॉर्मेंस रहा तो ही आपकी सिस्टम क्या है, क्वालिटी डिफाइन करती है और मार्केट में आप डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते हो, ओके। उसके आगे जो है वो है आपका फेल्यूर और डिफेक्ट। तो फेल्यूर और डिफेक्ट क्या होता है, सपोज़ आप कोई पीसीबी बना रहे हो तो पीसीबी में क्या होता है, कभी कभार आप क्या क्या माउंटिंग करनी पड़ती है, सोल्डरिंग करनी पड़ती है, बाय चांस कभी कोई पिन पे ठीक से सोल्डरिंग ना हुई हो, कहीं पे पीसीबी की ठीक से इचिंग ना हुई हो, ओके, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सिस्टम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता है, ओके। तो कौन कौन से चीज़ें होती हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम में फेल आफ्टर सम टाइम्स विच मे बी सेकेंड्स मिनट्स आवर्स डेज और ईयर्स, रिलायबिलिटी और प्रोडक्ट is always less than 1 or 100%, the failure or defect is the partial or total loss in the specification of a device। तो आप कोई component लगाते हो तो कुछ कुछ components क्या होते हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ second हो गया, minutes हो गया, hours हो गया, फिर कुछ years हो गया, उसके बाद by chance वो ख़राब हो जाते हैं। तो कब होता है, जब आप लोगों ना component है ना उसको misusely या फिर किसी कंपोनेंट को बिना ठीक से सोचे समझे आप लोग जब सर्किट में लगा देते हो या फिर उसकी सोल्डरिंग नहीं कर पाते हो ठीक से, तो वो मेनली वो सब सारी चीज़ें फंक्शन होती है एज अ फेल्यूअर में। तो कुछ कुछ फेल्यूअर्स तो आपके सेकेंड्स में होते हैं, आप उसको मेंटेन कर सकते हो, मिनट्स में, हार्स में हो सकते हैं, कुछ डेज में चले जाते हैं, और कुछ कुछ फेल्यूअर्स तो इससे डेंजर रहते हैं, जब आप नया सिस्टम जब डेवलप करते हो ना तो उस समय क्या होता है आपको समझ में नहीं आता है और आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो कि कुछ कुछ कंपोनेंट्स घाई घाई में लगाते हो तो उनकी ठीक से ना सोल्डरिंग नहीं हो पाती है, तो उस समय क्या हो सकता है, नया सिस्टम है तो आपको स्पेशली उस टाइम पे तो समझ में नहीं आएगा कि मैंने मिस्टेक क्या किया है, तो वो क्या होता है कुछ ईयर्स में भी चले जाते हैं फेल्यूअर्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के हम जब कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए फेल्यूअर्स और डिफेक्ट के तौर पर, ओके। ये टॉपिक भी काफ़ी सिंपल था, आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्यूअर, ओके, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आपके फेल्यूअर्स के लिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पुअर और इनकरेक्ट डिज़ाइन, उसके बाद रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, लेस एक्सपीरियंस, नो क्वालिटी कंट्रोल, मिस यूज एंड मिस हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, पुअर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग पॉलिसीज, इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन एरर्स। तो ऊपर ये जो फिगर आपको दिख रही है ना, तो इसके वजह से आपको समझ में आया होगा, एक आइडिया आ गया होगा कि वो बंदा काफ़ी परेशान दिख रहा है, क्यों परेशान दिख रहा है आप समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए परेशान है। प्रॉब्लम क्या है, वो है फेल्यूअर का, फेल्यूअर क्या हो रहा है, इनकरेक्ट डिज़ाइन, उसने कुछ डिज़ाइन गलत कर दिया है, लेस एक्सपीरियंस, को एक्सपीरियंस तो है नहीं उतना कुछ, क्वालिटी जो आया, जो सिस्टम बनी हुई है उसकी क्वालिटी ख़राब है, इसकी वजह से उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस आ गए हैं, कुछ फेल्यूअर्स आ गए हैं। पुअर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में कभी कभार 2 महीने पे 3 महीने पे जो मेंटेनेंस लग रहा था मेंटेनेंस नहीं हुआ, उसकी वजह से उसके अंदर कुछ फेल्यूअर्स आ गए हैं। ह्यूमन एरर्स, या फिर कोई कनेक्शंस करते समय, प्लग इन करते समय, प्लग आउट करते समय, कुछ उसमें इधर उधर होने पे भी कुछ डिस्टॉर्शंस या फिर कुछ फेल्यूअर्स हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं वाइल ऑपरेटिंग, कोई भी सिस्टम को ऑपरेट करते समय, उसे यूज़ करते समय हमें उसे बेटरली और जो उसके गाइडेंस दिए गए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन सिस्टम्स को यूज़ की करना चाहिए, ओके। आगे का जो टॉपिक है वो है मेंटेनेबिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का। इसके आगे भी हमारे जो दूसरे लेक्चर्स आने वाले उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स और भी कवर्स होने वाले हैं। तो मेंटेनेबिलिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा, किसी भी सिस्टम को मेंटेन करके रखना ताकि हम लोग उसे कुछ दिनों के बाद फिर से यूज़ कर सकें। मतलब मैंने एक कार लिया है, कार को मेरे को
हर एक महीने पे या फिर 1.5 महीने पे उसको मेंटेनेंस करनी ही पड़ती है ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, तो क्या दिया है, मेंटेनेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल रिपेयर एक्शन विद इन अ गिवन टाइम इन ऑर्डर। इन अदर वर्ड्स, मेंटेनेबिलिटी मेजर्स द एज एंड स्पीड विथ विच द सिस्टम कैन बी रिस्टोर टू ऑपरेशनल स्टेटस आफ्टर अ फेल्यूअर ऑकर्स। जो हमें हमारा प्रोडक्शन लाइन कभी बंद नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें हमारे सिस्टम को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर के पास हम लोग हमारे इक्विपमेंट दे देते हैं, हमारे हमारा जो सर्किट रहता है सर्किट दे देते हैं, या फिर जो हमारा डिवाइस है डिवाइस चला जाता है, तो वो क्या करेगा, जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे हर एक कंपोनेंट्स पे पर्टिकुलरली उसकी रीडिंग्स को नोट करता है और चेक करता है कि वो कंपोनेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कोई कंपोनेंट डैमेज हो गया है तो क्या करेगा, उसे एक्सचेंज कर देगा और न्यू कंपोनेंट वहाँ पे अटैच करता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी मेंटेनेबिलिटी कंटिन्यूसली होते रहेगी तो क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्शन लाइन है तो उसमें कोई फेल्यूअर नहीं आएगी, प्रोडक्शन लाइन हमारा कंटिन्यूस चलते रहेगा, लॉस नहीं होगा। और जो हमारा जो स्पीड है जो प्रोडक्शन का स्पीड भी हमारा बढ़ते रहेगा। ओके, तो ये सब कुछ टॉपिक्स थे जो कि हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जो कि एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रिलायबिलिटी के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है जिसमें कि फॉलोवेन दिया है क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ टाइम पीरियड्स है इन हार्स में और मैं कैलकुलेट करना है रिलायबिलिटी ओके ऑफ ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ 100 hours। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन लिख लिया। अब इसके बाद करना क्या है, कि मैं यहाँ पे आर ऑफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, तो यहाँ पे वेयर लैम्बडा जो है टी जो है मेरा टी गिवन क्या है, मेरा टाइम है, गिवन टाइम है मेरा दैट इज़ 100 hours। ये मेरा 100 hours गिवन है और जो लैम्बडा है लैम्बडा मेरा फेल्यूअर रेट है, ये है मेरा फेल्यूअर रेट। अब उसके बाद हैंस मुझे ये पता है कि लैम्बडा जो है वो मेरा 1/MTBF होता है। ओके, और MTBF क्या होता है मेरा, MTBF मीन टाइम बिटवीन फेल्यूअर। तो ये जो होता है ये जो ऊपर मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल इन हार्स में दिए हैं ना 150, 70, 30, 50, तो उनका क्या निकालना, मुझे एवरेज निकालना है। मैं क्या कर लूँगा, सबको ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने टर्म्स हो गए हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट टर्म्स हैं मेरे पास। तो मैंने क्या कर दूँगा, पूरा का पूरा उन्हें 8 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो इसका टोटल सम ले लेंगे, सम ओके, तो सम ले लिया है 700 ऊपर का और डिवाइड बाय 8 कर दिया, वो मेरा कितना आ रहा है, उसकी वैल्यू मेरी आ रही है 87.5। अब तो मुझे तो अब MTBF पता चल गया, अब निकालना मुझे लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/87.5। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूँगा तो ये मेरा आ जाएगा समथिंग, ओके सॉरी ये वैल्यू नहीं आती है,
मेरी वैल्यू आती है 0.0114। ओके, ये मेरा फेल्यूअर रेट हो गया। अब चलिए इसके आगे जो निकालना है तो इस सेक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आर ऑफ 100, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग पीरियड दिया गया है 100, तो कितना हो जाएगा 8^-0.0114 × 100। वहाँ पे भी टी था। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 8^-1.14। ओके, जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.319। ओके, तो ये मेरा रिलायबिलिटी फॉर 100 हॉर्स के लिए। अब मैं इसको परसेंटेज में देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब मैं इसे इन परसेंटेज के टर्म में हम लोग इसे देख लेते हैं। तो आर परसेंट इक्वल टू 32%, ये मेरी वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटर परफॉर्मेंस, जो मेरा सिस्टम है ना वो कितना बेटर परफॉर्मेंस करेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, मुझे वो बताता है। एंड रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा या फिर जो रिमेनिंग 68% जो रहेगा मेरा, वो बताया बताया